नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 और 2023 के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग प्रोफेशनल्स को किया सम्मानित। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सामाजिक सेवाओं के लिए दिया गया सम्मान। जम्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा 35 और 370 हटने के बाद विकास और निवेश के नए रास्ते बने। छात्रों को तनाव से दूर रहने की दी सलाह। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चिंतन शिविर का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ने कर्मचारियों से बदलते दौर में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा। दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति का संबोधन। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील। 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किया सम्मानित। पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया गया योग दिवस। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के योग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने पूरी दुनिया को एक परिवार में जोड़ा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने योग दिवस पर सभी को बधाई दी। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जम्मू और कश्मीर का एक दिन का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने जम्मू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 35 और 370 के हटने के बाद से जम्मू और कश्मीर विकास की नई राह पर चल रहा है। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने से निवेश में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लाभ के लिए सैकड़ों कानूनों को संशोधित किया गया, साथ ही कई कानूनों को निरस्त किया गया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में हुए सुधार की भी प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने जम्मू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 35 और 370 को अस्थायी प्रावधानों के रूप में संविधान में रखा गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार करने से इनकार कर दिया था। The path of remarkable growth and development trajectory that Jammu and Kashmir has charted following abrogation of Articles 370 and 35 of the Constitution in August 2019 is a testament to the vision and foresight of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, who gave his life for it. The region's integration into the national mainstream has paved the way for investment, development, improved governance. उपराष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले की अपेक्षा अब सौहार्दपूर्ण वातावरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इन धाराओं के हटने के बाद 890 केंद्रीय कानून लागू किए गए हैं। उपराष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर हिस्से में भारतीय प्रतिभाओं को कॉरपोरेट और संस्थानों का नेतृत्व करते हुए पाएंगे, जो कि भारत को गौरवान्वित करता है। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को सलाह दी कि वे कभी भी तनाव में न रहें और विफलता से कभी न डरें। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशंसा की। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी उनके साथ मौजूद थीं। कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। संसद भवन परिसर के जीएमसी बालयोगी सभागार में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चिंतन शिविर के समीक्षा सत्र की अध्यक्षता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा सचिवालय में कार्य संस्कृति ऐसी होनी चाहिए कि वह देश भर के कार्यालयों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करे। लोकसभा अध्यक्ष ने सचिवालय के कर्मचारियों को सुधार की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा। साथ ही सुझाव दिया कि खुद को बेहतर बनाने के अवसरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इस मौके पर 17वीं लोकसभा के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई।
संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चिंतन शिविर आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समीक्षा सत्र की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा सचिवालय में कार्य संस्कृति ऐसी होनी चाहिए कि वह देश भर के कार्यालयों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करे। लोकसभा अध्यक्ष ने सचिवालय के कर्मचारियों को परिवर्तन और सुधार की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के रूप में काम करने का आह्वान किया। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कि मेरे अध्यक्ष कार्यकाल में इस चार वर्षों के अंदर आपके सामूहिक प्रयासों से संसद की नई कार्य संस्कृति में और संसद के कार्य संचालन में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारी खुद को बेहतर बनाने के अवसरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सार्थक और उद्देश्यपूर्ण चर्चा और विचार विमर्श को सुविधाजनक बनाने के लिए चिंतन शिविर एक अनूठी और अग्रणी पहल है। इसका उद्देश्य लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों को लोगों की आकांक्षाओं से जुड़े रहने के लिए प्रशासनिक मुद्दों पर चिंतन करना है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17वीं लोकसभा के 4 साल पूरे होने की कई उपलब्धियां गिनाई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 17वीं लोकसभा के 4 वर्षों के दौरान लोकसभा सचिवालय में प्रौद्योगिकी के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है। मुझे खुशी है कि इतनी साल की सेवाओं के बाद भी इस चिंतन शिविर के अंदर जो आपने 10 ग्रुप बनाए थे, उस 10 ग्रुप के अंदर आपने व्यापक चिंतन किया, विस्तृत चिंतन किया, आपस में अपने अनुभव साझे किए और विशेष रूप से अनुभव साझा करते हुए एक बदलाव की नई दिशा तय की। लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय समितियों के कामकाज को अधिक प्रभावी, कुशल और समावेशी बनाने पर भी जोर दिया। 4 वर्षों के कार्यकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रयास किए कि जनप्रतिनिधियों की सभी आवश्यकताओं तक पहुंच हो, ताकि वे प्रभावी तरीके से सदन की प्रक्रियाओं में भाग ले सकें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया। संबोधन में उपराष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से जल संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की, साथ ही प्रकृति और जल प्रबंधन को जन आंदोलन बनाने को कहा। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने जनप्रतिनिधियों से जल संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया, साथ ही कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमारी जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से जल संरक्षण को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने को कहा, साथ ही इसे जन आंदोलन में बदलने को कहा। Here is a minister who is 24/7 in mission mode. एंड जो भी काम करते हैं पैशन से करते हैं। माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, टू हिज मिनिस्टर्स, टू हिज वेरी कमिटेड डिस्टिंग्विश्ड ब्यूरोक्रेसी फॉर ब्रिंगिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंज। 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति ने 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को सम्मानित किया। मेरे लिए बहुत सुखद अवसर है। इनाम लेना, इनाम देना अपने आप में बहुत ही गरिमापूर्ण है, यादगार क्षण है, पर उनको इनाम देना जो कठिन परिस्थिति में साधारण काम कर रहे हैं, पर साधारण काम करने के लिए
असाधारण प्रतिभा के धनी होना जरूरी है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी वन ऑफ देम. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण के संदेश को फैलाने के लिए एक लघु फिल्म का भी उद्घाटन किया. प्रतिमा कुछ नहीं पीकू, बताओ ना. मैं सबको जीवन देती हूँ और सब चाहते हैं मैं ही खत्म हो जाऊं. लेकिन मैंने तो सबको यही कहते सुना है प्रकृति हमारी माँ है. अरे सब कहने की बातें हैं, सब जानते हैं पानी में मेरे प्राण बसते हैं, फिर भी उसे बर्बाद करते हैं. लेकिन वो ऐसा करते क्यों है? जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए विजेताओं को बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को पंचायत स्तर हो या फिर राज्य स्तर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए. उपराष्ट्रपति ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों जैसे संवैधानिक प्रावधानों पर जोर दिया. साथ ही जल और पर्यावरण के संरक्षण पर जोर देते हुए इसके परिवर्तनकारी प्रभावों का भी उल्लेख किया. उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल जीवन मिशन जैसी सरकारी पहलों का आम लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल संरक्षण हमेशा से भारत की सभ्यतागत प्रकृति का एक अभिन्न पहलू रहा है और ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह प्रकृति के उपहारों का बुद्धिमत्ता से उपयोग करे. उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमारी जरूरत के अनुसार होना चाहिए. आज के दिन हम संकल्प करें पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिला परिषद स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और संसद के स्तर पर कि हम इसको प्राथमिकता देंगे. हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट लीड बाय एग्जांपल. मैंने राज्यसभा के सभापति की हैसियत से हर संसद सदस्य को आह्वान किया कि वो साल में कम से कम 100 पेड़ लगाएं. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत अपने आध्यात्मिक चिंतन, सोच विचार और ज्ञान के माध्यम से विश्व का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्थान का विशेष योगदान है. ब्रह्म कुमारी संस्थान लगातार 8 दशकों से व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण और विश्व निर्माण के लिए सराहनीय काम कर रहा है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया. लोकसभा अध्यक्ष ने संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह मानवता के लिए शांति और आनंद का मार्ग प्रशस्त कर रहा है. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह गर्व की बात है कि पिछले करीब 80 वर्षों से यह संस्थान आध्यात्मिक उन्नति, व्यक्तित्व में आंतरिक परिवर्तन और विश्व समुदाय के पुनरुद्धार के लिए योगदान देता रहा है. मुझे खुशी है ब्रह्मा कुमारी संस्थान लगातार 8 दशकों से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से विश्व निर्माण के लिए लगी हुई है. लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शांति, अहिंसा और प्रेम पर आधारित सेवा भावना के जरिए इस संस्थान ने होलिस्टिक एजुकेशन, ग्राम विकास, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, डिजास्टर मैनेजमेंट, दिव्यांग जनों की सेवा, अनाथ बच्चों के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किए हैं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्रह्म कुमारी के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि ये नई ऊर्जा, नए सामर्थ्य के बल पर सबके साथ मिलकर काम करते हैं और भारत के प्राचीन राजयोग के स्वर्णिम युग की पुनर्स्थापना कर रहे हैं. लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर खुशी जताई कि ये संस्थान लगातार 8 दशकों से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से विश्व निर्माण के लिए काम कर रहा है.
उन्होंने कहा कि संस्थान के प्रयास व्यक्ति के जीवन के अंदर आंतरिक चेतना और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा का प्रभाव पैदा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संस्थान के शिक्षाप्रद परिवेश में व्यक्ति अपने जीवन के सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिंतन के सहारे सभी चुनौतियों का सकारात्मक दृष्टिकोण से समाधान निकाल सकता है। व्यक्ति के जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक सोच रहेगा, सकारात्मक चिंतन रहेगा, तो उसके जीवन में हर आने वाली चुनौतियों का वह सकारात्मक दृष्टि से उसका समाधान करने का कार्य करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत अपने आध्यात्मिक चिंतन, सोच विचार और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए विश्व का नेतृत्व कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हर एक देशवासी को गर्व है कि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वव्यापी पहचान बनाने का सकारात्मक काम योग ने किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसका सकारात्मक परिवर्तन हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ा है। हम सब लोग आज गर्वान्वित है कि हमने हमारी आध्यात्मिक संस्कृति, हमारे योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्ववासी पहचान बनाने के लिए सकारात्मक काम किया और उसके सकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में हुए हैं और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग की भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि योग के माध्यम से हम अपने मन शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपनी कार्यकुशलता को बेहतर कर सकते हैं। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, इराक के ऊर्जा मामलों के उप प्रधानमंत्री हयान अब्दुल गनी अल स्वाद ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच पारस्परिक हितों पर चर्चा की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्विटर के जरिए भारत और इराक के बीच सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। उपराष्ट्रपति सचिवालय की ओर से ट्वीट के जरिए मुलाकात की तस्वीरें साझा की गई। दोनों पक्षों ने मैत्रीपूर्ण पारस्परिक संबंधों पर बातचीत की, साथ ही सुरक्षा, व्यापार, निवेश समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की भी व्यापक समीक्षा की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरा विश्व योगमय हो गया। 2023 के लिए योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई। योग दिवस के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग करती हुई तस्वीर शेयर करते हुए संदेश में कहा कि योग हमारी सभ्यता की महान उपलब्धियों में से एक है और पूरे विश्व के लिए भारत की महान सौगात है। योग हमारे जीवन में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सभी को और अधिक सक्षम बनाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व बंधुत्व के संदेश का दिवस है। ये इस साल भारत की मेजबानी में आयोजित किए जा रहे G20 शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु के भी पूर्णतः अनुकूल है। योग को विश्व पटल पर लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास को अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकृति मिलना भारतीय नेतृत्व की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है। नौवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जबलपुर पूरी तरह से योग के रंग में रंगा नजर आया। गैरिसन ग्राउंड में आयोजित हुए कार्यक्रम ने देश को गर्व के पल दिए। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है और पूरी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ने का काम योग ने ही किया है। भारत की विरासत को आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। आज भारत की सदियों पुरानी परंपरा योग ने सरहदों को मिटा दिया है। योग आज भारत तक सीमित नहीं है, योग दुनिया के कोने कोने में अपनी पहुंच बना चुका है। इस तरह योग आज एक वैश्विक पर्व बन चुका है।
योग अब दायरे मिटा रहा है। भारत के साथ साथ योग की ताकत को अब पूरी दुनिया मान रही है। हमारी 5000 साल से भी पुरानी परंपरा से पूरी दुनिया लगातार जुड़ रही है। ये भारत के योग की ही ताकत है जिसने मानवता को जोड़ने का काम किया है। भारत के प्रयासों की वजह से योग वैश्विक पर्व बन गया है। इट इज अ ग्लोबल इवेंट। इट इज डोटिंग एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड इट इज रिफ्लेक्टेड वाइब्रेंटली इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज भारत के हर हिस्से में और दुनिया के हर देश में यह पर्व मनाया जा रहा है। योग एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस मौके पर सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि योग सिर्फ मन और चित्त को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह संपूर्णता की ओर ले जाने का भी सशक्त माध्यम है। योग व्यक्ति में आत्मबल उत्पन्न करता है और उसकी चेतना और विवेक को एक सकारात्मक दिशा देता है और यह पूरी दुनिया की ये अनमोल देन भारत की प्राचीन धरोहर है। नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संसद परिसर की फिजाओं में सुबह योग की खुशबू खुल गई। देश के लोकतंत्र का मंदिर पूरी तरह से योगमय नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में योग अभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में योग फिटनेस नहीं, वेलनेस की गारंटी बन चुका है। इस खास अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज के दिन सभी भारतवासियों के साथ विश्व के 200 से अधिक देशों की जनता भी योग कर रही है। योग किसी पंथ विशेष को नहीं, पूरी मानवता को जोड़ने का काम करता है और इसीलिए योग जब हम करते हैं तो हमारी शारीरिक, मानसिक अनुशासन का एक संयोजन भी योग है। योग के बारे में जितना मैं बताऊं उतना कम है, लेकिन मैं दुनिया के जितने भी देशों में जाता हूं, मैंने देखा है योग लोगों की जीवन पद्धति बन चुका है और योग ही जीवन को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा प्रक्रिया बन चुकी है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह लोकतंत्र भारत की प्राचीन संस्कृति है, उसी तरह योग देश की जीवन शैली और चिंतन शैली है जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। योग आज विश्वव्यापी लोकप्रिय हो चुका है और जन जन का स्वस्थ रखने का एक प्रक्रिया हो चुकी है और इसीलिए योग को समग्र क्रांति के युग के रूप में देखा जाता है और इसीलिए बदलते परिप्रेक्ष्य में हम इलनेस से वेलनेस की ओर जा रहे हैं और इसके लिए योग हमें समर्थ बना रहा है। योग के फायदे गिनाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि योग मनुष्य की कार्य कुशलता और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने लोगों से योग से सहयोग तक की धारणा को आत्मसात करते हुए मानव कल्याण को सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के योग कार्यक्रम में शामिल हुए। यूएन मुख्यालय से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग भारत से आया, लेकिन ये कॉपीराइट रॉयल्टी से फ्री है, इसे किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्राचीन भारतीय परंपराओं की तरह यह भी जीवंत और गतिशील है। योग जीवन जीने का एक तरीका है, ये विचारों और कार्यों में सावधानी बरतने का एक तरीका है, ये स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव से जीने का तरीका है। Thank you.
कहते हैं इतिहास तारीखों में लिखा जाता है, लेकिन कई तारीखें ऐसी होती हैं जो इतिहास लिख जाती हैं। ऐसी ही तारीख 21 जून 2023 है। आज पूरी दुनिया भारत के योग मंत्र के साथ योगमय नजर आई। ये तस्वीरें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की हैं। कहने के लिए यह कहा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम है, लेकिन सही मायनों में ये तस्वीरें एक वैश्विक अभियान के उत्कर्ष की है। भारत की सदियों पुरानी योग की ताकत को सबने अपनाया। अमेरिका की धरती से पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम के महान विचार की साक्षी बनी। लेट अस यूज द पावर ऑफ योगा नॉट ओनली टू बी हेल्दी हैप्पी बट ऑल्सो टू बी काइंड टू अवरसेल्व्स एंड टू ईच अदर्स। Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. यह भारत के योग की ही ताकत है कि दुनिया के कोने-कोने तक आज योग का जयघोष है। विश्व का हर नागरिक योग को अपना मानने लगा है। योग आज दुनिया की सबसे पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स में से एक है। सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि जैसे जैसे सूरज की किरणें पहुंची, प्रकाश का विस्तार हुआ, दुनिया के हर हिस्से में लोग योग से सूर्य का स्वागत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 16 जून 2023 को कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। 20 जून 2023 को श्रम कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 22 जून 2023 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात। आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।